Hello students, good morning, welcome back to our online classes. Today we will do self practice 2C. okay, तो self practice 2C करने से पहले बच्चों हमें जानना है international place value chart के बारे में. okay, इससे पहले हमने study करा था national, जो हमारे कौन से होते थे, जो हमारे जो national थे, Indian system, Indian place value chart के बारे में हमने study करा था. तो आज की क्लास में हम पहले जानेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज में जैसा कि पहला होता है वंस का कॉलम, देन आफ्टर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. बच्चों ये टेन थाउजेंड तक तो सेम चलता है, किसके, जो इंडियन सिस्टम है उसके. ओके, एंड टेन थाउजेंड के बाद यहाँ पर आता है हंड्रेड थाउजेंड. जैसे टेन थाउजेंड के बाद उसमें लैख आता था, तो यहाँ पर लैख के प्लेस पर हंड्रेड थाउजेंड आता है, और 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन. ओके, तो ये है बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. बच्चों हम जो इंडियन सिस्टम होता था, इंडियन सिस्टम में हम टू पहले थ्री डिजिट के बाद, फिर टू टू डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते थे. बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑलवेज थ्री थ्री डिजिट के बाद प्लेस में जो हम जो कॉमा है वो प्लेस करेंगे. ओके, जो आपके सेल्फ प्रैक्टिस 2C का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार मैं रीड कर देता हूँ. री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग पीरियड एंड प्लेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट देयर नंबर रेंज. ओके, आपके इसमें तीन क्वेश्चन हैं. मैंने क्या करा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ए पार्ट का. ओके, जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये जैसे 870 ये पूरा नंबर है, इसमें डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है. अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को पहले तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर मैंने इसे ड्रॉ कर दिया. ओके, देन आफ्टर आई विल राइट द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर, मैं इस नंबर का नंबर नेम राइट डाउन करूँगा. जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, 8 जो है वो कौन से पे है, 100 मिलियन पे, 870 मिलियन. तो ये हो जाएगा 870 मिलियन, 870 मिलियन. उसके बाद आप चेक करेंगे 4000, क्या है 400 है ना, 497000. तो ये हो जाएगा 497000. ओके, 97,026. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में या उसमें उसके जो वर्ड्स है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर का नंबर नेम राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर टू. राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम, हमें कुछ नंबर्स गिवन है, डेट इज गिवन इन वर्ड्स फॉर्म, डेट इज गिवन इन वर्ड्स फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरल्स फॉर्म. ओके, हमें क्या करना है, उस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज 85,305,900. ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अभी हमने रीड करा, आपके पास बुक्स होगी, आप क्वेश्चन बुक में से देख सकते हैं. हमारे पास है 85 मिलियन, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 85 मिलियन, आप देखेंगे 85 मिलियन कौन से प्लेस पर आएगा, इसको हम लिखेंगे 85 मिलियन. देन आफ्टर वी हैव 305,900. ओके, हमारे पास जो है 305,900. तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हम किसी भी वर्ड्स वाले नंबर्स को इंटरनेशनल न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन यू विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन बोथ इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम,
ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ बोथ ऑफ द सिस्टम्स. हमारे पास नंबर गिवन है, मैंने इसका ए पार्ट जो है वो एज अ एग्जाम्पल लिया है, डेट इज 2907275. हमें क्या करना है, इसे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है. जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डैट, कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, देन आफ्टर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है. जैसा इसको हम रीड करेंगे तो डेट विल बी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़. दैट विल बी 2,90,72,795. ओके, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं. दैट विल बी 2,90,72,795. इसको हम वर्ड्स में लिख लेंगे. नाउ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में जैसा कि इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया कि इसमें हम 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करते हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसमें 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस कर रखा है, तो दैट इज़ न्यूमरल फॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड दैट इज़ न्यूमरल फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम. एंड सेम नंबर के हमने दोनों ही इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम राइट डाउन करें हैं. अब इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम को वर्ड्स में लिखना सीखते हैं. ओके, सेम डिजिट का, दैट इज 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 का मिलियन एंड 10 मिलियन. दैट विल बी 29,072,000. दैट विल बी 72,795. ओके, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ड्स में भी राइट डाउन कर लेंगे. तो बच्चों हमने इसे वर्ड्स में जब राइट डाउन करा तो जैसा कि फर्स्ट वाली वैल्यू ये हो जाएगी 2,90,72,795. ऐसे ही जब हम इस वैल्यू को इंटरनेशनल सिस्टम में राइट डाउन करेंगे तो दैट विल बी 29,072,795. तो ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट सॉल्व करके रखना है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं इसे आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों, हमें यूज द डिजिट, जो डिजिट यूज करनी है दैट इज 3, 4, 8, 9, 2, 7, 4, 1 एंड 0. इनका यूज करके हमें लार्जेस्ट, जो फर्स्ट में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जनरेट करना है एंड स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल नंबर है उसको जनरेट करना है. तो मैं लार्जेस्ट जनरेट करके दिखा देता हूँ. ओके, एंड स्मॉलेस्ट, दोनों ही नंबर मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ. लार्जेस्ट जनरेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसको हम असेंडिंग में, जितने भी डिजिट है इसे हम असेंडिंग में रखना, डिसेंडिंग में रखना स्टार्ट करेंगे. दैट विल बी 9, 8, 7, 7 से छोटा 4, 2 बार है 4, 4, 3, 2, 1, 0. तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नंबर हो गया लीस्ट, ऐसे ही स्मॉलेस्ट, सॉरी ये हो गया लार्जेस्ट, अब स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट में जीरो को हम पहले नहीं रख सकते, तो वी विल राइट 1, then after 0, then after 2, 3, 4, 4, 7, 8, 9. तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट. इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में राइट डाउन करना सीखा इंटरनेशनल वैल्यू में और इंडियन सिस्टम, दोनों ही वैल्यू हमने इसे राइट डाउन करना सीखा. तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों को, लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट को, आपको इंटरनेशनल और इंडियन दोनों ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो वर्ड्स फॉर्म है वो भी लिखनी है और इसकी जो वर्ड्स फॉर्म है दोनों में ही, इंडियन सिस्टम में
और इंटरनेशनल सिस्टम में लार्जेस्ट को भी लिखेंगे, इंडियन और इंटरनेशनल में हम स्मॉलेस्ट को भी राइट डाउन करेंगे। तो बच्चों जितने भी पार्ट बचे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C के, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक, वो सभी पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 4, मैं ना आपको इसको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करके दिखा दिया, बट इसको आपको पूरा सॉल्व आपको करना है। ओके, तो आप होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें, और होमवर्क करके उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।